दोस्तों, रशिया की तरफ से भारत को वो हथियार देने का ऐलान कर दिया गया है जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर एक बार ये हथियार भारतीय सेनाओं के पास आ गया तो भारतीय सेना चाइना को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगी। ये लाइटवेट टैंक होने वाला है और लाइटवेट टैंक वो टैंक होते हैं जिनका वजन 25 टन से कम होता है। और आज के समय में भारतीय सेना के पास जितने भी टैंक है उनका वजन 45 टन है। लाइटवेट टैंकों की सबसे खास बात यह होती है कि ये पहाड़ी इलाकों में काफी तेजी से चल सकते हैं। भारत 350 की संख्या में लाइटवेट टैंक खरीदना चाहता है और अब रशिया की तरफ से अपना SDM-1 टैंक भारत को ऑफर कर दिया गया है। ये टैंक रोड पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, पहाड़ों पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है और पानी में ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। रेंज इसकी 500 किलोमीटर है। इसमें 125 mm की बोरगन लगी हुई है जिसकी मदद से दुश्मनों के बंकर और टैंकों को चीर कर रखा जा सकता है। रशिया इस टैंक को मेक इन इंडिया के तहत बनाना चाहता है।